अब हम क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो कहता है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन क्या होगा जिसका व्यास निम्न है। अब देखो इन्होंने कहा व्यास, त्रिज्या नहीं दिया है यानी व्यास दिया है, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या कर देंगे इसकी तो होगी 14 सेंटीमीटर और इसको हम कह देंगे 21 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हो गया 21/2 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारी आर हो गई। अब हम आयतन निकाल लेते हैं, तो पहले का आयतन हो गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 × 2 = 14, तो ये हो गया हमारा और कटेगा नहीं, तो 88, 88 × 2 = 176 और 14 × 2 = 196/3। अब 176 × 196 कितना होता है, अब देखो मैं फिर एक वैदिक मैथ से कर रहा हूँ, आपको मैं बाद में सिखा दूंगा, 6 × 36 = 3, 42 + 94 = 3, 99 हासिल के 6 × 6 = 12, 12 × 3 = 75, 9 × 4 = 8, 7 × 16 = 24, 2 × 1 = 3, 34 × 4 = 96 / 3 और ये हो गया हमारा 11/33, 1/4, 11/14, 2/9, 2/6, 11/6 cm³, 11,900 498/2/3। ये बेटा ये कैसे किया, ये इस एक्सरसाइज के बाद में वैदिक मैथ की कुछ कैलकुलेशंस डालूंगा, वो जरूर देखना बेटा। अब आप देखो मैंने कितना फास्ट कर दिया कैलकुलेशन, वो आप भी कर पाओगे बेटा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब हम इसी तरह से हम दूसरे का भी आयतन निकाल लेते हैं जिसकी त्रिज्या है 21/2, तो मैंने कहा 4/2 × 3 × 22/7 × 21/2 × 21/2 × 21/2 × 21/2। देखो बेटा हम 10.5 भी ले सकते थे, पर जहाँ तक हो उसको बेटा भिन्नों में रखो। अब देखो फायदा क्या होगा, 2 × 2 = 4 कट गया, 3 × 7 = 21 हो गया, अब और इधर हो गया 11। अब देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 × 11 और ये हो गया 11 × 11, 11 × 44 = 45, 4 × 44 = 4, तो मैं कहूँगा 4,851 cm³। अच्छा हम चाहते तो इसको हम मीटर क्यूब में भी दे सकते थे, तो मीटर क्यूब के लिए हमें क्या करना था कि इन सब के नीचे 200 लगाना था, तो यानी 2 × 2 = 4 = 6, तो हम 6 दशमलव यहाँ पे नीचे 2 × 2 = 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 6 दशमलव लगाने, तो 1, 2, 3, 4 तो ही हैं, 1, 5, 8, 4 और 2 0 और लगा देंगे और हम कहेंगे मीटर क्यूब। तो हम चाहें सेंटीमीटर क्यूब में भी आंसर दे सकते हैं, हम चाहें मीटर क्यूब में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर दो। अब देखो ध्यान रखना बेटा इनमें गलती कैसे हो जाएगी एग्जाम में कि आपने ये चूक गए कि व्यास है या त्रिज्या है, तो ये जानबूझ के आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है।